चलिए बीकानेर का फिलहाल रुक कर लेते हैं, जहां संवाददाता किशोर सिंह ने लिया वहां की स्थिति का जायजा। बीकानेर वही जिला है जहां इतालवी पर्यटक भ्रमण कर लौटे थे, और ऐसे में वहां प्रशासन ने खास व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहां की स्थिति की जानकारी लेते हैं बीकानेर के संवाददाता किशोर सिंह से। जी किशोर, बताएं बीकानेर में फिलहाल क्या स्थिति। बीकानेर में आज सुबह से ही कोरोना के चलते कर्फ्यू जैसा माहौल लगा हुआ है। लॉकडाउन की घोषणा से जहां लोग एक दिन स्वघोषित कर्फ्यू में रहे, उसके बाद लोग इक्का दुक्का सड़कों पर नजर आए। इस वजह से पुलिस को कुछ हद तक सख्ताई भी करनी पड़ी, और कुछ हद तक पुलिस इक्का दुक्का वाहन चालकों को समझाइश करके घर भेजने का कार्य करते हुए सुबह से नजर आ रही है। हालांकि बीकानेर में अभी तक कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आइसोलेट की उन्होंने लगभग 7,000 लोगों की व्यवस्था कर ली। उसके अलावा जो लोग घरों में रह रहे हैं या जिनके पास खाने के साधन नहीं है, उन तक डिब्बा बंद पैकेट पहुंचाने की भी समाज सेवी संस्थाओं के साथ सहयोग से व्यवस्था की जा रही है। जिला कलेक्टर पूरी प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है और पूरी व्यवस्था के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन सुबह से सड़कों पर ऊपर घूम रहा है। हालांकि आप मेरे पीछे ये स्टेट हाईवे देख रहे हो, इसके ऊपर आज सुबह से इक्का दुक्का वाहनों को छोड़ के कोई वाहन नज़र नहीं आ रहे। हालांकि कई लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र जरूर कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस समझाइश कर रही है और उनको घर भेजने का कार्य कर रही है। और कई कस्बों में सुबह से पुलिस को बल प्रयोग का भी सहारा लेना पड़ा, जहां छत्तरगढ़ डोंगरगढ़ में भी पुलिस कई जगह लोगों को हिदायत देती हुई समझाती हुई नजर आई और एक वाहन चालकों को घर भेजने का कार्य कर